सबसे पहले मैं आप सभी साथियों का कर इस्तकबाल करता हूं और मैं एआईएसएफ के तरफ से जेएनयू की तरफ से आपके साथ खड़ा हूं और कंधे से कंधे मिलाकर आपके इस प्रगति को आगे जहां तक जाना होगा हम रहेंगे, क्योंकि हमें पता है, हमें याद है कि नजीब वाले मामले से लेकर 9 फरवरी वाले मामले तक एएमयू के छात्र बसे घर भर से दिल्ली आई थी और हमारे साथ दिया था, और आपकी जज्बात को देखकर मुझे एक बात याद आ रही है कि पूरे देश में जेएनयू को रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टूडेंट मूवमेंट को लेकर के, लेकिन आपके जज्बात को देखकर हमें भी कहने की सीखने की जरूरत है कि ऐसी जज्बात होनी चाहिए हर भारतीय के लिए। और अभी ये जब से सरकार आई है बीजेपी की, उनकी एक सिलसिला चला है यूनिवर्सिटियों में एडमिट करने का, ये एफटीआईआई से शुरू किए थे, ये गजेंद्र जवान जैसे नालायक इंसान को वहां पे चेयरमैन बना करके, जो कि 3 महीने से ज्यादा उसका मूवमेंट चला था, उसके बाद एचसीयू में अटैक हुआ, जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुआ, जेएनयू में हुआ, रामदेव कॉलेज में इसलिए हुआ क्योंकि वहां सेमिनार हो रहा था। तो आप बताइए, अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज में सेमिनार नहीं होगा, डिबेट नहीं होगा, डिस्कस नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी तो होगा क्या? क्या सर ये झंडा फैलेंगे वहां जाकर के क्या? या फिर यूनिवर्सिटी में एक अच्छा तालीम नहीं होगा, रेस्टोरेंट की बात नहीं होगी, लोग साइंस नहीं सीखेंगे, मेडिकल की पढ़ाई नहीं करेंगे, तो क्या गोबर और गोमूत्र की पढ़ाई करेंगे? आज ये जिन्ना को लेकर के है, तो बेशक जिन्ना की पैदाइश आज जो वर्तमान में वो इंडिया में हुई थी और वो उनका कंट्रीब्यूशन भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने भगत सिंह का केस चला, गोखले का केस चला, बेशक मैं उनकी आदमी को नहीं मानता हूँ, उनकी आदमी को मैं नहीं मानता हूँ जो विभाजनकारी था, जो डिवाइड किया इंडिया पाकिस्तान को, लेकिन वो एकलौता नेता नहीं थे जो कि टू नेशन थ्योरी को मानते थे। उससे पहले सावरकर, जिनको ये आज संघीय मुद्दे मानते हैं, आज भी मानते हैं, वो भी उस एनर्जी को मानते थे। तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप, मैं जिन्ना को खारिज करता हूँ, शुरू से करता हूँ, आप भी आज भी खारिज करता हूँ, क्या आप सावरकर को खारिज करेंगे या नहीं करेंगे? ये सवाल है इन संघियों से, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो दुगली राजनीति करते हैं, वो ऐसी राजनीति करते हैं कि यूपी बिहार हिंदी बेल्ट में गाय नहीं खानी चाहिए, उनके लिए वो गौरव छात्र मनाते हैं, लेकिन केरल में बोलते हैं, गोवा में बोलते हैं, मणिपुर में बोलेंगे, जहाँ भी खाता है, जहाँ एक्सेप्ट नहीं होता, अच्छा भी प्रोवाइड करेंगे। ये दुगली राजनीति को चुनौती देने की जरूरत है। अलीगढ़ की अपने आप बहुत बड़ी इतिहास है, जिसको एस्टेब्लिश करने में जिस शख्स का हाथ है, सर सैयद साहब, जो उस जमाने में इस यूनिवर्सिटी को कायम किए, जिस जमाने में उसे बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा, उन्हें शायद 600 के आसपास फतवा जारी कर दिया गया था, क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। लेकिन मैं उनको सलाम करता हूँ, विजन को खास करके सलाम करता हूँ, लेकिन क्योंकि इन्हें खतरा है पढ़े लिखे तबका से, नौजवानों से खास करके, यूनिवर्सिटी से, क्योंकि इनको चैलेंज मिलता है, ये जो अंधभक्ति फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, ये गाय जैसी एक जानवर को माता के रूप में शामिल करना चाहते हैं, इनको चैलेंज एक ही सेक्शन करता है, वो छात्र सेक्शन करता है, इन्हें छात्रों को एडमिट करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेजों को एडमिट करते हैं। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि आप जैसे लोग, चाहे वो जेएनयू हो, डीयू हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे हो, हम रेस्टोरेंट से बिलीव करते हैं, प्रोग्रेसिव नेट से बिलीव करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम चीजों को समझते हैं, इसलिए हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे। लेकिन हमारे लिए भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने रीच को पहुंचाएं, जो लोग नहीं समझ पाते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं, मैं उनकी भी गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि शायद वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं। और जो लोग ये भड़का रहे हैं, ये आईटी सेल बना करके इतनी गंदी गंदी चीजें बताते हैं, तो जिनको कुछ पता नहीं है, वो सोशल मीडिया में देखते हैं, अरे ये तो लगता है न्यूज में आया है, तो मान लेते हैं। लेकिन हमें भी कुछ अपना नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा और उनके झूठी बात को काउंटर करने के लिए अपना फैक्चुअल डेटा के साथ हमें अपनी बातों को रखना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेएनयू हमेशा आपके साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा, और खास करके पूरे नेशनल लेवल में एएमयू के पक्ष में और इन संघियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, आगे भी करता रहेगा। और मैं अपने और इतना ही बात कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ, आपके जज्बात को सलाम करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही कंधे से कंधा मिलाएं, पूरे देश में जहां भी मूवमेंट हो, पूरे
इतना ही कहकर मैं बात खत्म करता हूँ।